हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स आपने काफी कुछ कवर कर लिया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको बात करनी है, किसकी बात करनी है, एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो आपके पास, अगर आप गेट के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन में आपको जो पढ़ना होता है, ठीक है, ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। सो मेनली अगर हम एप्लीकेशन में देखते हैं तो हमें तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक है आपके पास पावर प्लांट इंजीनियरिंग, सेकेंड जो होता है आपके पास आईसी इंजिन, और जो थर्ड है आपके पास रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, यहां पे मैं बात करने वाला हूं पहले रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इन शॉर्ट जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो आरएसी, ठीक है। यहाँ पे जो पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये चीज आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई ये जो आपके पास आरएसी वाला जो पार्ट है ना, इससे आपके पास 3 to 5 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास बनता ही बनता है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशन पार्ट में, क्लियर। सो यहाँ पे मेनली हम यही बात करने वाले हैं कि भाई आरएसी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें देख लेंगे, गेट के क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए भाई, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और है कि आपके पास देखिए, अगर आप आरएसी देखोगे तो आपके पास, अगर इसको कॉलेज लेवल पे आप पढ़ोगे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आप देखते हो तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक बड़ा सा सब्जेक्ट है, राइट। लेकिन अगर इसी चीज को आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आई एम सेइंग गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या है, आपके पास कुछ सिलेक्टेड चीजें ही आपको पढ़नी है, ठीक है। आपके पास काफी ज्यादा वास्ट में जाके नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में मेंशन है वही चीजें डील करोगे ना। आपके पास सिलेबस में जो मेंशन नहीं है वो इररिलेवेंट चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिलेवेंट चीजें पढ़नी है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा बता दूंगा, ब्रीफ में मैं आपको चीजें बता दूंगा कि भाई एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, क्लियर। उसके पहले आप जस्ट, ठीक है, पहले आप समझिए कि भाई रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जब आप बोलते हो, सो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में जो साइकिल्स होंगे वो सेम है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और आपके पास जो एयर कंडीशनिंग के लिए जो बेसिक साइकिल है ना, वो बेसिक साइकिल आपके पास क्या है, बेसिक साइकिल आपके पास सेम है, फिर भी आपके पास क्या है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। और वो बेसिक डिफरेंस क्या है, सो बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन आपको ये चीज देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये कुछ कोई नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन का पर्पस क्या है और एयर कंडीशनिंग का पर्पस आपके पास क्या है। देखिए, जब हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं ना, तो रेफ्रिजरेशन का पर्पस क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का पर्पस होता है सिस्टम को कूल करना एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये पर्पस होता है आपके पास क्या, ये पर्पस होता है आपके पास रेफ्रिजरेशन का। सो रेफ्रिजरेशन का जो पर्पस है आपके पास मेंटेन द सिस्टम टेम्परेचर, मेंटेन द सिस्टम टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर, बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर टू प्रिजर्व द आइटम्स, टू प्रिजर्व द आइटम्स, ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन का पर्पस क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का पर्पस होता है आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के टेम्परेचर को आपके पास जो, आपके पास उस सिस्टम का जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के टेम्परेचर से आपके पास, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, आपके पास कम मेंटेन करना, ठीक है। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास जो गिवन सिस्टम है वहां का टेम्परेचर आपके पास कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपके पास, या फिर आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एज पर द आपके पास डिमांड। सो बेसिकली रेफ्रिजरेशन का पर्पज होता है कि आपके पास जो गिवन सिस्टम है उस गिवन सिस्टम को कूल रखना एज कंपेयर टू सराउंडिंग, दिस इज द पर्पज ऑफ रेफ्रिजरेशन, राइट। सो दैट कि आपके पास कोई आइटम है उसको आप प्रिजर्व करके रख पाओ, कोई फूड आइटम है उसको आप प्रिजर्व करके रख पाओ, ठीक है, कोई आपके पास लिक्विड वाला आइटम है, मिल्क हो गया, उसको आप प्रिजर्व करके रख पाओ, ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन का पर्पस बेसिकली ये होता है, ठीक। एयर कंडीशनिंग का पर्पस क्या होता है, नाम से ही अगर आपको लगेगा, एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कंडीशन द एयर एज पर
ह्यूमन कंफर्ट, एज पर ह्यूमन कंफर्ट, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग, तो एयर कंडीशनिंग का पर्पस होता है एयर की कंडीशनिंग करना एज पर द ह्यूमन कंफर्ट, राइट। अब देखो ह्यूमन कंफर्ट अगर आप बात करते हो तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सोचिए कि आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं कि एयर का टेम्परेचर अगर मेरे पास 24 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है तो मेरे को कंफर्ट फील होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आपको एक रूम है, एक रूम में मैं आपको बैठा दूं और मान लो रूम का जो टेम्परेचर है 24-25 डिग्री सेल्सियस है, राइट, लेकिन उस रूम में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, तो आप मेरे को बताइए क्या आप कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है। तो आंसर है भाई कि आप कंफर्ट फील नहीं करोगे, देयर इज आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, राइट। सो ह्यूमन कंफर्ट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कंफर्ट का मतलब ये होता है भाई टेम्परेचर तो मेंटेन करना है, बट अपार्ट फ्रॉम द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, आपको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना है, ठीक है, आपके पास एयर की वेलोसिटी को भी मेंटेन करना है, आपके पास उस एयर में आपके पास जैसे सपोज आपके पास स्मेल है तो भी आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, तो इन चीजों को भी आपके पास मेंटेन करना है, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है कि जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो इन केस ऑफ द एयर कंडीशनिंग आपके पास एयर को कंडीशन करना एज पर द ह्यूमन कंफर्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर कंडीशनिंग, ठीक है। सो भाई एयर कंडीशनिंग का पर्पस अलग है और आपके पास जो रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन का पर्पस आपके पास डिफरेंट है, ठीक है, बट बेसिक साइकिल आपके पास बिल्कुल वही है। आपके पास अगर एक रेफ्रिजरेटर आप लेते हो, मतलब फ्रिज जैसे आप घर में आप देखते हो, तो उसमें भी वही साइकिल ऑपरेट करता है जो आपके पास एयर कंडीशनिंग यूनिट में काम करता है, मतलब एसी में, राइट। तो आपके पास ये जो साइकिल है ना, बेसिक साइकिल सेम है, पर दोनों का ऑब्जेक्टिव आपके पास अलग अलग है। इसीलिए जब हम एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहां पे बोला कि कंडीशन द एयर एज पर द ह्यूमन कंफर्ट, राइट। सो यहां पे आपके पास एयर की कंडीशनिंग करनी है ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से, इसीलिए पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पता होना चाहिए, ठीक है, कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसीलिए एयर की प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हो तो आप वहां पे पढ़ते हो साइकोमेट्रिक। सो बेसिकली साइकोमेट्री आपके पास क्या होता है, साइकोमेट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मॉइस्ट एयर। सो जो एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट है, एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप पढ़ते हो किसके बारे में, आप पढ़ते हो साइकोमेट्री के बारे में, बिकॉज साइकोमेट्री आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आप एयर की एनालिसिस कर रहे हो, क्लियर हो गई तेरी बात, ठीक है। सो भैया साइकोमेट्री ये भी आपको देखना है, साइकोमेट्री से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, गेट में आपके पास क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राइट। तो ये भी वाला पार्ट भी आपको देखना है, क्लियर हो गई तेरी बात, ठीक है। सो भाई चलो ये बात तो पक्की आपको क्लियर हो गई कि भाई रेफ्रिजरेशन का पर्पस क्या है और एयर कंडीशनिंग का पर्पस क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी आपको पास, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई रेफ्रिजरेशन क्या है, एयर कंडीशनिंग क्या है, क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है। सो सबसे पहला पार्ट आपको जो पढ़ना है वो है आपके पास आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। सो भाई आइडियल रेफ्रिजरेशन क्या साइकिल कौन सा होता है, सो आइडियल रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है दैट इज नथिंग बट द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, दिस इज द आइडियल साइकिल फॉर रेफ्रिजरेशन, रिवर्स कार्नोट साइकिल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है हीट इंजन, ठीक है, तो हीट इंजन के लिए जो आपके पास आइडियल साइकिल, सॉरी जब हीट इंजन की आप बात करते हो तो आइडियल हीट इंजन क्या है, कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे आपके पास कार्नोट साइकिल ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कार्नोट साइकिल वहां पे चल रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कार्नोट हीट इंजन। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए जो आइडियल साइकिल है वो आपके पास क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, वहां पे क्या है, कार्नोट साइकिल, यहाँ पे क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, राइट। सेकेंड जो आपको पढ़ना है वो है आपके पास गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये जो गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप देख रहे हो, इस गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए जो आइडियल साइकिल होता है वो आइडियल साइकिल है आपके पास रिवर्स ब्रेटन साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं बेल कोलेमन साइकिल, क्लियर। थर्ड आपके पास अगर देखोगे थर्ड जो आपको पढ़ना है वो है आपके पास वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन शॉर्ट VCRS,
वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ, वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS। सो दिस इज अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। सो बेसिकली आपके पास ये पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। सो चलिए भाई एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब देखो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो आपने जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो आपके पास क्या है, दैट इज रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखिए अब यहां से थोड़ा सा हम बेसिक्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्या था क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी द हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। आपके पास यही बोलता है कि आपके पास लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी तक हीट एनर्जी कैरी करके ले जाना इम्पॉसिबल है विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, ऐसा डिवाइस इम्पॉसिबल है, और अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये पॉसिबल है, राइट। सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए दो आपके पास, इधर समझिए, ठीक है, आपके पास मान लो ये आपके पास बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर आपके पास T2 है, राइट, ये आपके पास बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर आपके पास क्या है T1, राइट। अब देखिए अगर T1 और T2 दोनों सेम होगा, ठीक है, T1 और T2 दोनों सेम होगा तो क्या कोई हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो ये जो बॉडी आप देख रहे हो इसका टेम्परेचर मेरे को आपके पास T2 अभी इनिशियल टेम्परेचर है इससे कम मेंटेन करना है, मान लीजिए आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, मान लो मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस यहां पे मेंटेन करना है, तो भाई अगर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है तो भाई यहां से मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे को यहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अगर मेंटेन करना है तो यहां से हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा, और वो हीट एनर्जी जो निकाल रहा है वो क्या है, Q2। अब देखो ये हीट एनर्जी जब आप निकालोगे तो भाई किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू तो ही तो निकाल रहे होगे ना, ये जो हीट एनर्जी आप निकाल रहे हो किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू ही निकाल रहे होगे, राइट। और इस हीट एनर्जी को निकालने के बाद एम्बिएंट में फेंकोगे भी, राइट, तभी तो आपके पास फिर से आपके पास हीट एनर्जी आप निकाल पाओगे या कंटिन्यूअसली यहां से हीट एनर्जी आप निकालते चले जाओगे, राइट। सो यहां पे जो हीट एनर्जी आप फेंक रहे हो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया Q1, क्लियर। अब देखो अब आप क्या कर रहे हो, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट एनर्जी कैरी करवा रहे हो तो भैया आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल एनर्जी यहां पे किस फॉर्म में है, मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में है, W नेट के फॉर्म में है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। वो आपके पास किस फॉर्म में है, मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में, और वो मैकेनिकल वर्क आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द W नेट, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई आप मेरे को बताइए ये जो डिवाइस जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो डिवाइस है इसको अगर आप देखोगे ना आप दो तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे, इधर समझिएगा। देखो यहां पे आपके पास अभी मैंने आपको पर्पस बताया, क्या पर्पस बताया कि भाई मेरे को इस बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, आपके पास T2 से कम मेंटेन करना है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हो सकता है कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना इस बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस था मेरे को 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, मतलब इस बॉडी की क्या हो रही है कूलिंग और इस बॉडी की आपके पास क्या हो रही है हीटिंग, राइट। अगर मेरा पर्पस कूलिंग है, अगर मेरा पर्पस कूलिंग है तब इस डिवाइस को मैं बोलता हूं क्या, रेफ्रिजरेटर। अगर मेरा पर्पस हीटिंग है तब इस डिवाइस को मैं क्या बोलता हूं, इस डिवाइस को मैं बोलता हूं हीट पंप। तो भाई एक ही डिवाइस है ये, कभी अगर इसका समझना ध्यान से, डिवाइस एक ही है, अगर इसका फंक्शन, अगर इसका मेन मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो अगर है यहां पे आपके पास क्या, यहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, तब आपके पास ये रेफ्रिजरेटर हो गया, और अगर मेरा मोटो क्या है, अगर मेरा मोटो है यहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, तब आपके पास क्या हो गया, ये डिवाइस आपके पास हीट पंप हो गया,
Getting my point? So, अब देखिए, तो मतलब एक ही डिवाइस अगर आप देखोगे तो ये डिवाइस आप एज ए हीट पंप भी बिहेव कर सकता है, एज ए रेफ्रिजरेटर भी बिहेव कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. क्लियर? अब भाई अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, ठीक है, या ये जो हीट पंप है या जो रेफ्रिजरेटर है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? तो बाबू एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी जो होती है, दैट एफिशिएंसी दुनिया जान में जो एफिशिएंसी होती है, सब क्या होता है भाई? आउटपुट बाय इनपुट. एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी आपके पास क्या है? आउटपुट बाय इनपुट. अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं तो आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट? ठीक है, सो आउटपुट क्या है? अगर मेरे पास यहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना अगर मेरा डिजायर्ड है, तब मेरा आउटपुट क्या है? Q2, क्योंकि यहां से हीट एनर्जी निकाल रहा हूं. अगर मेरा यहां, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव या मेरा मोटो यहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? Q1, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं या जो मैं दे रहा हूं. राइट, सो बेसिकली जो आउटपुट है ना, आउटपुट एक तरीके का डिजायर्ड इफेक्ट है. क्या आपको चाहिए? डिजायर्ड का मतलब होता है चाहना. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आउटपुट क्या है, दैट आउटपुट इज नथिंग बट द डिजायर्ड इफेक्ट. दैट इफेक्ट इज कूलिंग इफेक्ट या इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट. डिजायर्ड आपके पास क्या है? डिवाइडेड बाय इनपुट. इनपुट किस फॉर्म में? इनपुट मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में है. और इनपुट अगर मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में है तो दिस इज नथिंग बट द डब्ल्यू नेट. ये हो गया आपके पास. क्लियर? अब देखिए भाई, अब आपके पास अगर देखोगे, ठीक है, चलिए अब यहां पे समझिए थोड़ा सा. ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, कि भाई किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती. दिस इज अ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. ठीक है, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इस डिवाइस की एफिशिएंसी देखोगे ना, तो एफिशिएंसी आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकता है. दैट मीन्स ये जो आउटपुट बाय इनपुट का जो रेशियो है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. पहले आप बोल रहे हो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, यहां पे आप बोल रहे हो कि एफिशिएंसी आपके पास 100% है. क्लियर है पॉइंट? सो भैया कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए ये जो पैरामीटर है ना, इस पैरामीटर को हम एफिशिएंसी ना बोल के इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक नया पैरामीटर, विच इज नथिंग बट द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, सीओपी का मतलब क्या है? दैट सीओपी इज नथिंग बट द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है बेसिकली है क्या, रेशियो है आउटपुट बाय इनपुट का परफॉर्मेंस. अगर हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस रेशियो ही है आउटपुट और इनपुट का. राइट, लेकिन आपके पास इसको एफिशिएंसी नहीं बोल सकते, बिकॉज एफिशिएंसी आपके पास क्या होता है, एफिशिएंसी, अब इन जनरल जो एफिशिएंसी हम जो डिफाइन करते हैं ना, वो वर्क आउटपुट डिवाइस के केस में हम डिफाइन करते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या होगा, हमें एफिशिएंसी हमेशा एक से कम होता है. राइट, जितने भी वर्क आउटपुट डिवाइस है, वर्क आउटपुट डिवाइस का मतलब समझ पा रहे हो? ठीक है, जिससे हमें वर्क आउटपुट मिलता है. ठीक है, जैसे कि आपके पास पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट वर्क आउटपुट दे रहा है. ठीक है, गैस टर्बाइन पावर प्लांट वर्क आउटपुट दे रहा है. ठीक है, तो वहां पे हम एफिशिएंसी के साथ डील करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जहां पे वर्क इनपुट डिवाइस है, वर्क इनपुट डिवाइस रेफ्रिजरेशन. ठीक है, वर्क इनपुट आप दे रहे हो, तो यहां पे आपके पास ये जो रेशियो है ना आउटपुट बाय इनपुट का, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है. और अगर एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो भाई एफिशिएंसी आप नहीं बोलोगे, उसको एक नया पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, एंड विच इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. राइट, इन शॉर्ट सीओपी. क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए भाई, इतनी बात आपके पास क्लियर हो गई. अब देखो, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं, चलिए सीओपी, अगर मेरा डिजायर्ड क्या है, अगर मेरा डिजायर्ड, समझिएगा ध्यान से, अगर मेरा डिजायर्ड क्या है, अगर मेरा डिजायर्ड है हीटिंग करना, अगर मेरा डिजायर्ड क्या है, अगर मेरा डिजायर्ड है आपके पास इस बॉडी को हीट करना, तब मैं क्या बोलूंगा, सीओपी. बताइए इस डिवाइस का क्या होगा, इस डिवाइस का जो सीओपी है, ठीक है, क्या होगा? दैट इज नथिंग बट द Q1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट. वेरी गुड, ये लो. राइट, अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना मेरा डिजायर्ड है, तो इस केस में सीओपी क्या होगा? सो दैट सीओपी ऑफ दिस डिवाइस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई Q2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया डब्ल्यू नेट. क्लियर? अब देखो, ये जो डब्ल्यू नेट है, इस डब्ल्यू नेट को हम क्या लिख सकते हैं? सो भाई अगर आप फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल, ठीक है, साइकिल मतलब ये जो साइक्लिक डिवाइस है, इस साइक्लिक डिवाइस के लिए अगर आप फर्स्ट लॉ लगाओगे, तो फर्स्ट लॉ अगर आप लगाओगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ फॉर द साइक्लिक डिवाइस,
summation q is equal to summation w. Summation q is equal to summation w. Now summation q, देखो अंदर जाने सिस्टम क्या बन गया, सिस्टम है ये जो डिवाइस है, दैट इज अ सिस्टम. अंदर जाने वाला हीट एनर्जी पॉजिटिव, बाहर जाने वाला हीट एनर्जी नेगेटिव. अगर वर्क दे रहे हो तो भाई नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस w नेट. सो w नेट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा q1 माइनस q2, राइट. सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास q1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज w नेट. सो w नेट इज नथिंग बट द q1 माइनस q2. अगर मैं बोलता हूं cop ऑफ रेफ्रिजरेटर तो ये हो जाएगा q2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास q1 माइनस q2. ये लीजिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है. अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको बोलता हूं, अब देखो ये cop है, दिस इज द cop फॉर एनी हीट पंप, एनी हीट पंप, दिस इज द cop ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर, ठीक है. यहां पे कॉर्नोट हीट पंप की कोई बात नहीं हो रही है, यहां पे कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर की बात नहीं हो रही है. पहले आप बेसिक समझिए भाई, हम बेसिक से जा रहे हैं. दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी हीट पंप, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी रेफ्रिजरेटर, राइट. सो यहां से अगर मैं बोलता हूं, ये मेरे पास मान लो इक्वेशन ए है, ये मान लो मेरे पास इक्वेशन बी है. सो फ्रॉम ए एंड बी, अगर मैं बोलता हूं ए माइनस, मैं बोल देता हूं बी, चलिए भाई ए माइनस बी अगर आप करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सीओपी of heat pump minus COP of refrigerator, that is equal to, तो ये हो जाएगा Q1 upon Q1 minus Q2, minus ये हो जाएगा Q2 upon Q1 minus Q2. So यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा Q1 minus Q2 और ये हो जाएगा Q1 minus Q2, right? ये चला गया तो कितना आ जाएगा, this is equal to 1. So COP of heat pump is equal to COP of COP या 1 plus COP of refrigerator, and this is a very very important mathematical expression, clear. So COP of heat pump is equal to COP of heat pump is equal to 1 plus COP of refrigerator. चलिए भाई ये बात भी आपके पास क्लियर हो गई, ठीक है. अब अगर मान लो यहां पे ये जो साइकिल रन कर रहा होगा ना भाई, ये डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर कोई ना कोई साइकिल तो रन कर रहा होगा ना, ठीक है. और अगर वो साइकिल क्या है, वो साइकिल आपके पास कार्नोट साइकिल है, ठीक है. कार्नोट साइकिल क्या होता है, दैट कार्नोट साइकिल कंसिस्ट टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है. ये चीज पहले मैंने बता चुका हूं आपको. कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आपके पास क्या होता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है. सो उसमें फिर से उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, राइट. अब देखो, अब आपके पास अगर ये जो डिवाइस आप देख रहे हो, ये साइक्लिक डिवाइस है, इसके अंदर एक साइकिल चल रहा है, और अगर वो साइकिल कैसा साइकिल है, वो साइकिल आपके पास कार्नोट साइकिल है, ठीक है. वो साइकिल आपके पास क्या है, वो साइकिल आपके पास कार्नोट साइकिल है. तो ये जो कार्नोट साइकिल पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब वो आपके पास कार्नोट साइकिल कैसा घूमेगा, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कार्नोट साइकिल क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है. सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, या फिर आपके पास हीटिंग इफेक्ट चाहिए, मतलब कूलिंग इफेक्ट चाहिए, या फिर अगर हीटिंग इफेक्ट चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, तो यहां पे जो साइकिल है वो साइकिल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब पहले से रिवर्स हो गया. सो दिस इज आइडियल साइकिल इज रिवर्स कार्नोट साइकिल, क्लियर है पॉइंट, ठीक है. तो अब देखो, अगर आपके पास मैं बोलता हूं, ठीक है, क्या चेंजेस कर रहा हूं, चेंजेस मैं ये कर रहा हूं कि भाई ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस अगर मेरे पास क्या बन जाए, ये डिवाइस अगर मेरे पास बन जाए एक रिवर्सिबल डिवाइस, अगर ये डिवाइस मेरे पास क्या हो जाए, ये बन जाए मेरे पास रिवर्सिबल डिवाइस, और ये भी मेरे पास, ये जो बॉडी आप देख रहे हो, ये कैसा बिहेव करे, एक रिजर्वायर की तरह बिहेव करे, ये कैसा बिहेव करे, एक रिजर्वायर की तरह बिहेव करे, मतलब आपके पास दो रिजर्वायर हो गया और रिवर्सिबल डिवाइस हो गया, क्लियर पॉइंट. ये जो आप देख रहे हो, ये जो बॉडी है, ये बॉडी बिहेव करे किसकी तरह, आपके पास रिजर्वायर की तरह. ये जो बॉडी है, ये बिहेव करे किसकी तरह, रिजर्वायर की तरह. आपके पास रिवर्सिबल डिवाइस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये कार्नोट साइकिल है. गेटिंग माई पॉइंट. कार्नोट के लिए क्या चाहिए, कार्नोट के लिए चाहिए आपके पास दो रिजर्वायर, और आपको क्या चाहिए, आपके पास रिवर्सिबल डिवाइस. क्लियर है पॉइंट, ठीक है. सो अगर आप देखोगे, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं, अब देखो दिस इज फॉर एनी हीट पंप, राइट. बस यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्या चेंजेस हो जाएगा, सो ये लिख देते हैं, एक काम करता हूं मैं इसको हटा ही देता हूं, चलिए. सो यहां से एक बार मैं बोल देता हूं सीओपी ऑफ एनी हीट पंप. सो क्या हो जाएगा, सीओपी ऑफ एनी हीट पंप लिखा है आपने, दैट इज नथिंग बट द क्यू वन, ये हो गया क्यू वन माइनस क्यू टू, एंड दैट सीओपी of any refrigerator that is equal to, ये हो जाएगा आपके पास Q2 divided by Q1 minus, ये हो गया Q2,
राइट। चलिए भाई ये तो बात हो गई फॉर एनी रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, अब अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलूंगा यहां से, अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास, अब हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करें, हम निकालने वाले हैं सीओपी ऑफ कारनॉट, कारनॉट हीट पंप, हम निकालने वाले हैं सीओपी आपके पास किसका, कारनॉट, कारनॉट ये हो गया आपके पास रेफ्रिजरेटर, कारनॉट रेफ्रिजरेटर, राइट। सो यहां से अगर मैं बोलूंगा सीओपी दिस इज इक्वल टू कारनॉट हीट पंप, सो कारनॉट हीट पंप के केस में अगर आप देखोगे तो ये बताइए मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन ये हो जाएगा Q, अच्छा वन अपॉन वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, ये लीजिए राइट। और अगर आपके पास कारनॉट साइकिल की अगर आप बात करते हो तो कारनॉट साइकिल के केस में भाई Q1 बराबर Q2 किसके इक्वल आया था, T1 बराबर T2 के इक्वल आया था कि नहीं आया था, ठीक है भाई। ये भी बड़ा सिंपल है यार, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी चलो एक बार फिर से बता देता हूं आपको, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है राइट। अब आपके पास ये रिजर्वायर है, ये आपके पास रिजर्वायर है, ठीक है, सो रिजर्वायर वन का एंट्रोपी चेंज, रिजर्वायर टू का एंट्रोपी चेंज, डिवाइस का एंट्रोपी चेंज तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास साइक्लिक डिवाइस है, तो ये हो जाएगा भाई देखो माइनस, क्योंकि Q2 निकल रहा है, सो माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2, अच्छा Q1 उस रिजर्वायर में जा रहा है, सो प्लस Q1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू जीरो, सो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, सो ये हो जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ये लीजिए राइट। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं वन अपॉन ये हो गया वन माइनस, अच्छा टी टू बाई ये हो जाएगा टी टू बाई टी वन, विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओनली कारनॉट, ठीक है, साइकिल, ठीक है, दैट क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली कारनॉट, ठीक है, किसी और के लिए नहीं होगा ये, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर एनी अदर हीट पंप और एनी अदर रेफ्रिजरेटर, इट इज ओनली फॉर द कारनॉट, क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, राइट। Now, यहां से आपके पास अगर मैं बोलता हूं सीओपी ऑफ कारनॉट रेफ्रिजरेटर तो ये क्या जाएगा वन अपॉन, अगेन दिस इज इक्वल टू, चलो भाई यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ये हो जाएगा क्यू वन बाई क्यू टू ये हो गया माइनस वन, ठीक है, सो क्यू वन बाई क्यू टू ये हो जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन ये हो जाएगा टी वन बाई टी टू माइनस वन, ये लीजिए राइट। सो सीओपी ऑफ द कारनॉट रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ द कारनॉट हीट पंप, ठीक है, सो आप यहां से निकाल सकते हैं, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो यहां पे आपके पास जो सीओपी है कारनॉट हीट पंप या कारनॉट रेफ्रिजरेटर का, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करना है, करता है कि टी वन और टी टू क्या है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यहां पे अंदर में जो सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस है, ठीक है, इस बात पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। तो भाई ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइडियल साइकिल है, दिस इज द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, मतलब किसी और रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो सीओपी है, ठीक है, किसी और रेफ्रिजरेशन साइकिल का सीओपी है वो इस सीओपी से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपके पास वो हीट पंप के जैसा है तो किसी भी हीट पंप का सीओपी इस कारनॉट हीट पंप से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी रेफ्रिजरेटर का सीओपी इस कारनॉट रेफ्रिजरेटर से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द हाइपोथेटिकल साइकिल, नो डाउट दिस इज द हाइपोथेटिकल साइकिल, जैसे कारनॉट हीट इंजन हाइपोथेटिकल है, वैसे ही आपके पास यहां पर भी देखोगे कि कारनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये भी आपके पास क्या है, हाइपोथेटिकल है, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपके पास क्लियर होना चाहिए, तो कभी भी आपके पास पूछे कि भाई सीओपी बताओ तो आप सीओपी आप बता सकते हो, ठीक है, अगर बोलता है, एंड दिस इज द मैक्सिमम सीओपी ना, ठीक है। अभी आपने मैं वही चीजें बताया कि आपके पास ये क्या होगा, ये आपके पास अगर मैं बोलता हूं रेफ्रिजरेटर तो आपके पास दिस इज द मैक्सिमम सीओपी, अगर मैं बोलता हूं हीट पंप सो दिस इज द मैक्सिमम सीओपी, ये मैक्सिमम सीओपी है, क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट पहले भी थोड़ा बहुत आपने देखा था, ठीक है, यहां से फिर से हमने रिकॉल कर लिया इसको, क्लियर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहां से करवा देता हूं, ठीक है, जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जो नंबर ऑफ टाइम्स आप देखोगे कोई भी एग्जाम देने जाओ, ठीक है, चाहे गेट देने जाओ, ईएससी देने जाओ या कोई भी और दूसरे एग्जाम देने जाओ, वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टाइम आपके पास मिलेगा, ठीक है। सो देखिएगा वो क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर इज 0.3, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन है कि जो थर्मल एफिशिएंसी है कि रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर, ठीक है, सो यहां पर मैं लिख देता हूं एफिशियंसी जो आपके पास हीट इंजन की जो गिवन है वो आपके पास कितना गिवन है, 0.3। चलिए भाई ये आपके पास गिवन है,
द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिवर्स रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर इज. ठीक है, सो आपके पास क्या पूछा है, आपके पास सीओपी, आपके पास पूछा है किसका, आपके पास रेफ्रिजरेटर का. ठीक है, सो आपके पास बोलने का मतलब यह है कि आपके पास एफिशिएंसी गिवन है हीट इंजन का. ठीक है, और ये हीट इंजन कौन सा हीट इंजन है, अगर आप देखोगे ये हीट इंजन आपके पास रिवर्सिबल हीट इंजन है विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर. इसका मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कि भाई दो रिजर्वायर है, ठीक है, ये बात करेक्ट है, दो रिजर्वायर है और आपके पास रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो भाई दो रिजर्वायर और रिवर्सिबल हीट इंजन कौन सा हीट इंजन होता है, कार्नोट हीट इंजन ही तो होता है ना. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वो हीट इंजन कोई नॉर्मल हीट इंजन नहीं है. ठीक है, दैट इज अ कार्नोट हीट इंजन, राइट. अब आपके पास क्वेश्चन ये बोल के रखा हुआ है द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिवर्स रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर इज. ठीक है, मतलब यहां पे जो आपके पास सीओपी पूछ रहा है वो आपके पास कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सीओपी आपसे पूछ रहा है, राइट. मतलब आपके पास क्या है, आपके पास हीट इंजन की एफिशिएंसी, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी आपके पास गिवन है, तो आपके पास बताइए कि आपके पास जो रिवर्स कार्नोट इंजन होगा या फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास रिवर्स रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा सेम थर्मल रिजर्वायर के बीच में, उसका सीओपी आपके पास क्या होगा. सो दिस इज अ क्वेश्चन, राइट. सो पहले देख लीजिए, पहले आपके पास यहां से अगर आप देखोगे, मान लीजिए आपके पास ये आपके पास T1 टेम्परेचर है, ये आपके पास T2 टेम्परेचर है, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ कार्नोट हीट इंजन. ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्नोट हीट इंजन. तो यहां से देख सकते हैं ये आपके पास रिवर्स हीट इंजन है, आपके पास क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से मैंने Q1 लिया, यहां से मैंने Q2 दिया और ये मेरे पास क्या है, यहां से मेरे को W नेट. सो व्हाट इज द एफिशिएंसी. ठीक है, इस कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास क्या है, दैट इज 0.3. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी. सो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द 1 - T minimum by T maximum. हम यही बोलते हैं ना, T minimum by T maximum. And what is the T minimum? So 1 minus the T minimum is nothing but the T2 and T maximum is nothing but the T1. So this is the efficiency of this Carnot heat engine. ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, हमें निकालना है सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर, राइट. सो सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, अगर हम सीओपी की बात करते हैं, सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, राइट. सो भाई एनी अदर रेफ्रिजरेटर जो होता है, चलो पहले तो हम कार्नोट रेफ्रिजरेटर बना लेते हैं. ठीक है, यहां पे मैं बना लेता हूं, ये हो गया, अगेन दिस टेम्परेचर इज T1, दिस टेम्परेचर इज T2, दिस इज द रेफ्रिजरेटर और कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, इसका मतलब दिस इज अ रिवर्सिबल एंटी क्लॉकवाइज, यहां से आपके पास Q2, इधर से आपके पास Q1 और ये आपके पास W नेट गिवन होगा. ठीक है, सो W नेट आपके पास यहां पे आपको देना होगा. क्लियर. सो यहां पे एक चीज और समझिए कि भाई यहां से अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है, भाई रिवर्सिबल हीट इंजन है तो W नेट मैक्सिमम होगा और यहां पे अगर मेरे पास रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो W नेट यहां पे मिनिमम होगा. क्लियर. अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे सो सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो भाई कार्नोट रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी है, किसी भी, चलिए पहले तो एक काम करते हैं, किसी भी एक ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर का सीओपी क्या लिखते हो आप, Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे. सो यहां से आप लिखोगे क्या, Q1 - Q2, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था, राइट. सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो गया 1 upon, ठीक है, ये नीचे आके हो जाएगा Q1 - Q2 - 1, राइट. और Q1 - Q2 किसके इक्वल होता है, इनकेस ऑफ द कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या होता है, Q1 - Q2 इज इक्वल टू T1 - T2, राइट. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया 1 upon, ये हो जाएगा आपके पास T1 - T2 - 1, ये लीजिए, थोड़ी देर पहले आपने ये भी लिखा था, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट. अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे तो भाई ये तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो गया, नो कार्नोट हीट पंप, अगर सपोज आपके पास मैं कार्नोट हीट पंप का आपको सीओपी बोल देता तो भाई ये क्या लिखते आप, 1 upon क्या लिखते, 1 - लिखते आप T2 - T1, लिखते कि नहीं पहले बताइए आप मेरे को, ठीक है, थोड़ी देर पहले यही तो लिखा है आपने, ठीक है. अगर आप कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात करते हो तो आपने ये लिखा था, अगर कार्नोट हीट पंप की बात करते हैं तो आपने ये लिखा था, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक. अब देखो, अब आपको क्या पूछा, अब आपको पूछा है कि भाई आप मेरे को कार्नोट रेफ्रिजरेटर का क्या बताइए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सीओपी बताइए, क्वेश्चन में यही बोला है ना, ठीक है, बोला ना रिवर्स रेफ्रिजरेशन,
रिवर्स रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, मतलब कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए, सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन, क्या हो गया, 1 माइनस T2 बाई T1, देख लीजिए 1 माइनस T2 बाई T1 किसके इक्वल है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, राइट, ये लीजिए, राइट। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का। तो भाई ये बताइए, आपने ये ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और ये हो गया +1, ऐसा कुछ पढ़ा थोड़ी देर पहले, बिल्कुल पढ़ा आपने, ठीक है। अगर इधर कार्नोट है, इधर कार्नोट है तो इधर भी क्या हो जाएगा, कार्नोट, ये लीजिए, राइट। सो अब देखो, अब मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने ये निकाल लिया है, तो ये हो गया 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट पंप, सॉरी 1 अपॉन कार्नोट हीट इंजिन और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, ये हो गया सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां से आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हो, आप बड़ी आसानी से क्या निकाल पाएंगे, उस कार्नोट रेफ्रिजरेटर का आप सीओपी जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और वही आपके पास क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है, क्लियर। तो कहीं कभी भी वही इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है, आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर मेरे को रिवर्सिबल हीट इंजन, मतलब कार्नोट हीट इंजन का मेरे को क्या दिया होगा, एफिशिएंसी हुआ दिया होगा, उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, उसमें से -1 कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा आपके पास कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सीओपी, राइट। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कार्नोट हीट पंप का सीओपी, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है, आपके पास कितना मिनट लगेगा आप ये बताइए, या कितना सेकंड लगेगा आप ये बताइए मेरे को, ठीक है। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, ठीक है, अच्छे से आपने, ठीक है, आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस से ये भी हो जाता है, क्लियर है। तो एज कंपेयर टू जो मैं बता रहा हूं उससे टाइम डेफिनेटली यहां पे ज्यादा लगेगा। जैसे ही मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे को पता है मेरे को पूछ क्या रहा है, मेरे को पूछ रहा है सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर। एक काम करते हैं भाई, आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, -1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का आपको क्या मिल जाएगा, सीओपी मिल जाएगा, क्लियर। सो इस वे में आप क्या कर सकते हो, इस वे में तो ये हो जाएगा पॉइंट, इधर चला गया, ठीक है, ये हो जाएगा 3.33 -1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2.33, क्या यही आएगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो गया 1/0.3, करेक्ट किया था मैंने, ठीक है, 1/0.3 -1, 1/0.3 तो ये हो जाएगा 3.33 -1, तो 2.33। सो दिस इज द सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर, राइट। सो इस टाइप के प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स आपको मिलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपके पास बोल देता है कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर गिवन है, अगर आपके पास कार्नोट हीट पंप का पूछता है तो रेसिप्रोकल ले लेना, और अगर आपके पास कार्नोट रेफ्रिजरेटर का पूछता है तो रेसिप्रोकल लेके -1 कर देना, ठीक है, आपको मिल जाएगा सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक, इसको आप ट्रिक के जैसा याद कर सकते हो, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो ये आपके पास किसका हो, ये आपके पास हो गया आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल से, दैट आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल इज नथिंग बट द, अगर हम बात करते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट इज नथिंग बट द रिवर्स कार्नोट साइकिल, राइट। तो ये चीज आपके पास क्लियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं भाई गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेसिकली होता कैसे है, क्लियर। चलिए यहां तक आपके पास क्लियर हो गया, थैंक यू।